क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 11th एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 में सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इनको हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स 0, इसको सॉल्व करना है, मीन्स x की वैल्यूज निकालनी है। ये सिंपल इक्वेशन है, अगर आप इसको कंपेयर करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, यहाँ पे क्या है, कोफिशियंट b यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो x का टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 3। अब देखिए रूट लेंगे इक्वेशन का दोनों साइड से, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा x इक्वल्स, अब रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, देखिए प्लस पुट करेंगे यहाँ पे स्क्वायर होने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस पुट करेंगे तो स्क्वायर होने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जब रूट लेते हैं इस तरीके से इक्वेशन में तो प्लस माइनस साइन लगाते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ माइनस 1, रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है आई, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 आई। तो x की दो वैल्यूज होंगी, एक होगी रूट 3i, एक रूट होगा इसका रूट 3i, दूसरा होगा माइनस रूट 3i। वैसे भी देखिए जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट में आते हैं, तो एक रूट पता है दूसरा रूट भी हम इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए सेकेंड प्रॉब्लम, देखिए सेकेंड प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर के साथ 2 आ जाएगी, b की वैल्यू x के साथ क्या है यहाँ पे 1 इंटू x है, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी, ये आपका आ जाएगा 1-8 यानी कि -7, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसका भी जो रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए श्रीधराचार्य रूल है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे तो आपका आ जाएगा माइनस बी यानी कि -1, बी 1 दिया हुआ है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू -7 आई है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, तो ये आपका आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 7, और ये जो रूट -1 है उसको हम आई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4, तो ये इसके रूट्स आ जाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, सेकेंड प्रॉब्लम। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम, देखिए थर्ड प्रॉब्लम भी ऐसे ही हो जाएगी, थर्ड प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स 0, यहाँ पे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, c की वैल्यू 9, रूट क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे एक्स इक्वल्स माइनस बी यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 9 है, अपॉन 2 इंटू ए 1, तो सॉल्व कर सकते हैं -3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 36 अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस रूट -27 डिवाइडेड बाई 2, फिर सॉल्व कर सकते हैं -3 प्लस माइनस, ये आपका आ जाएगा 3 रूट 3 और माइनस रूट 1, और माइनस रूट 1 की जगह हम i लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, दो रूट्स इसके ये हो गए। अब देखिए फोर्थ प्रॉब्लम, देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स 0, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं इस इक्वेशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स 0, तो ये
इस इक्वेशन के रूट निकाले या इसके निकाले, बात वही आएगी, रूट्स सेम होंगे इक्वेशन के। तो यहाँ पे कंपेयर करिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए प्लस बी है, यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस 1, सी की वैल्यू 2। तो एक्स अगर हम देखें, रूट्स देखें, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ए की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट 7 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ये फोर्थ प्रॉब्लम हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, अब फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, फिफ्थ प्रॉब्लम इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू 5 हो गई। तो x आपका आ जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस बी क्या है 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 इंटू ए 1 है सी 5 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 20 अपॉन 2, ये फर्दर हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 20 यानी कि रूट माइनस 11 बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस माइनस रूट 11 आई बाई 2। तो ये जो हो गया फिफ्थ जो इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक, इसका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए सिक्स्थ प्रॉब्लम, देखिए सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है, वैसे ही सिक्स्थ प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ये 1 है इसका कोफिशियंट, ये है इसका कोफिशियंट माइनस 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1 एंड c की वैल्यू 2। तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा माइनस b यानी कि माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 बाई 2। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट 7 आई बाई 2। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा।